शासक साहब जी ने लालू जी को न्याय दिलाने के लिए बेगूसराय से पर्चा भरने का काम किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने के लिए तनवीर साहब ने यहाँ से पर्चा भरने का काम किया। आप जानिए, ये कोई चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष को सांसद बनाने का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी को जिताने का नहीं है, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि ये जो चुनौती और जो चुनाव आप लोगों के सामने है, ये देश, संविधान, आरक्षण और लालू जी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। गरीब को, वंचितों को, शोषितों को, समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, परिवार को मुख्य धारा में, उसको मान और सम्मान दिलाने की लड़ाई है। ये भाजपा वालों के हाथ में, ये नागपुरिया वाले लोग, इनके हाथों में हमारा देश, संविधान सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए। आपको पता होगा कि परसों हम रांची गए थे, परसों हम गए रांची, बड़े उम्मीद के साथ गए थे। हम तो डेली डेली नहीं ना जाते वहां, हमको भी जिम्मेदारी है आप लोगों के बीच भी रहना है, आप लोगों की लड़ाई लड़नी है। बड़े मुश्किल से समय निकाल करके, क्योंकि चतरा पर हम गए थे प्रचार में, तो सोचे हमारे पिता बीमार हैं, एक दो महीना हो गया मिले नहीं है, कम से कम ये मौका है, इतने बड़े लड़ाई में, जंग में हम जा रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद हम ले रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग ये बताइए कि किसी बेटे को अपने बीमार पिता से मिलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हाथ उठा के बताइए। लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया। आप लोग सुनिए, लालू जी को साजिश के तहत जेल में भेजा गया, साजिश के चलते। सुन लो, समय कम है, बात समझिए। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजा गया, क्योंकि ये भाजपा वाले लोग और पलटू चाचा, ये जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं, जो हमारे संविधान आरक्षण को छेड़ सके। ये जानते थे लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी दंगाई में हिम्मत नहीं होगी, जो दंगा फसाद और हमारे भाईचारे को बिगाड़ सके। तो राम जी बोलते हैं, चुनाव पास में हार रहा है, बीजेपी याद कर रही है इसके हिचकी हार रहा है, इनके झांसे में नहीं रहना। मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, मोदी पे नहीं। ये चौकीदार बन रहा है मोदी जी। अगर आप अपने आप को चौकीदार मानते हो तो ये समझ लीजिए, देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदार ने गलती की है तो थानेदार छोड़ेगा नहीं, सजा देने का काम करेगा। नीरव मोदी भाग्य है, ललित मोदी भाग्य है, भागे ना। नोटबंदी हुआ था, सब अपना जाकर के अपना पैसा जमा कर दिए, आई नीरव मोदी, ललित मोदी पूरा बैंकवा का पैसा लेके भाग गए। हमारे चौकीदार ऐसा चौकीदारी किए तो सजा देना है ना। ये बड़बड़ मोदी है, गड़बड़ मोदी, उसके ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे साथ नारा लगाइएगा, लेकिन जितने लोग हैं सब नारा लगाएंगे, हाथ उठा करके नारा लगाएंगे, पूरा हाथ उठा करके। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप बोलेगा देश बचाओ। भाजपा